गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे और कई फॉर्मूले उसमें यूज़ करेंगे और आप भी काफ़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे हम लोग एंगल्स में कमांड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ 3 सिंपल प्रॉब्लम्स के साथ, फिर इसके बाद और भी प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो यू कैन राइट डाउन दीज प्रॉब्लम्स एंड ट्राई बाई इट्सेल्फ। तो अब मैं इनको देखता हूँ, इनके आंसर निकालता हूँ। तो देखिए कि साइन 420 डिग्री, तो पहले प्रॉब्लम लिख ली जाए, साइन 420 डिग्री कॉस 390 डिग्री प्लस कॉस ऑफ माइनस 300 डिग्री इंटू साइन ऑफ माइनस 330 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब इन चारों को एंगल्स को हम लोग पता कर ले अगर, तो फिर इनकी मदद से हम प्रूफ करेंगे 1। लेकिन हम लोगों ने याद करें केवल एंगल 0 से 90 तक, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, हम लोग केवल यही वैल्यू चाहते हैं। तो इसका मतलब कि हम इन वैल्यूज को किसी तरीके से हमें आना चाहिए कि इन वैल्यूज को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूले सीखे ट्रिग्नोमेट्री ऑफ अलाइन एंगल्स। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इट विल बी बेटर कि आप वो लेक्चर देखिए, ग्राफ वाला लेक्चर देखिए, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हाउ वी आर गोइंग अबाउट इट। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग देखें कि किसके पास है, तो वी हैव स्टडीड 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। तो हम उन्हीं के आसपास इसको करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम 420 को देखें तो ये 360 के पास है, इसलिए वी कैन राइट इट साइन ऑफ 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, एंड सेम वे अगर कॉस को भी देखो तो ये भी 360 के पास ही है, तो वी कैन राइट 360 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आया है। देन ये देखिए क्या है, कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो यहां पे लिख दीजिए फॉर्मूला, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, इनके प्रूफ भी देख चुके हैं हम लोग। तो इसका मतलब कि नेगेटिव एंगल आए तो कोई दिक्कत घबराने की बात नहीं है, वी कैन डायरेक्टली राइट इट माइनस की जगह प्लस, बिकॉज कॉस में तो चेंज ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अब 360 में क्या माइनस कर दें तो ये सेम रहेगा 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। और साइन के केस में प्लस माइनस हो जाएगा, अभी माइनस जाके इधर मैं बेच के इसको माइनस कर देता हूं, और इसको लिख सकते हैं अब हम लोग साइन 360 माइनस 30 डिग्री, तभी आएगा साइन 330 डिग्री। क्लियर है बात। अब हम लोगों ने देखा था कि अगर साइन के मल्टीपल 360 और 180 हो, या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अगर ये मल्टीपल्स होते हैं, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज का रेशियो जो है वो चेंज नहीं होता, नो चेंज। और क्या देखते हैं हम लोग, फिर हम लोग देखते हैं कि आखिर किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू जो इनपुट वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसके बेसिस पे हम लोग उसमें प्लस माइनस का साइन लगाते हैं कि वो किस उस क्वाड्रेंट में प्लस है या माइनस है। जैसे कि यहाँ पर 360 प्लस 60 देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। एंड नाउ अब हम लोग को ये देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी पॉजिटिव होगा। तो वी कैन राइट लाइक दिस कि दिस इज साइन 60 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से कॉस 360 भी कॉस ही रहेगा और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इट विल बी पॉजिटिव, तो कॉस 30 डिग्री। अब देखिए कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, 360 माइनस 60 फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, इसलिए कॉस का तो कॉस ही रहेगा एंड पॉजिटिव भी रहेगा, तो दिस इज बेसिकली 60 डिग्री। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो एक पहले माइनस आएगा, जिस माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करके मैंने प्लस कर दिया, और ये 360 माइनस 30 है, तो दिस विल बिकम साइन 30। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब यहां पर देखिए, अब हम लोग साइन 90 माइनस थीटा यूज करके इसको कॉस 30 लिख लेंगे, साइन 60 कैन बी रिटन एज कॉस 30, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी आपने देखे हैं, तो कॉस 30 इंटू कॉस 30 को क्या लिख सकते, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसी तरीके से आप cos 60 को sin 30 लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा एंड sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, वो फॉर्मूला लगा के हम इसे sin 30 लिखेंगे एंड देन sin 30 into sin 30 इज व्हाट, sin स्क्वायर 30 डिग्री।
तो गॉट इट। अब ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज बेसिकली हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से वन आ गया। हम चाहते तो यहाँ वैल्यू रख देते बट इट्स ऑफ नो यूज बिकॉज हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है फॉर ऑल थीटा, ठीक है। तो थीटा कुछ भी हो इसकी वैल्यू वन होगी, 30 होता, 40 होता, 29 होता, जो नहीं जानते वो भी एंगल होता, तब भी ये वन ही होगा। तो ये आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने एंगल का यूज किया और फिर ये प्रॉब्लम को किया, ठीक है। अपने फॉर्मूले कैसे यूज कर रहे हैं उसका इस समय हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होने, अब हम लोग यहाँ पर सेकेंड प्रॉब्लम चेक करने जा रहे हैं। तो सेकेंड प्रॉब्लम में देखिए कि 570, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार तो बहुत क्लियरली हमें पता चल रहा था कि 360 के पास है, तो जब हमें बहुत क्लियर ना पता चले बड़े एंगल हो, जैसे ये 570 या 1000 हो, 2000 हो, 3000 के आसपास हो, तो हमारा स्टेप होता है कि हम 90 से पहले उसको डिवाइड करते हैं। तो जैसे पहले तो लेट्स राइट द प्रॉब्लम, कॉस 570 डिग्री इंटू साइन 510 then minus sine of 330 degree and then cos of 390 degree, okay? So what we should do, we should first divide 570 by 90, let's do it. तो पहला step है, अगर आपका angle बहुत बड़ा हो then you should do this. तो 9 6 54, तो this is 540, तो see what's your remainder, 30 degrees your remainder. Now see how we are going to write this. I will write it like this, 6 into pi by 2 plus 30 को क्या लिखते हैं लोग, pi by 6, ये रेडियन में मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखिए 510 भी ऐसे डिवाइड कर देते हैं, तो 95 जा 450, तो कितना आ गया बैलेंस 60, ठीक है। अब इसको साइन में वी कैन राइट लाइक दिस, इस 5 इंटू पाई बाई 2 और 60 को लिखते हैं हम लोग पाई बाई 3, क्लियर है। इसको रब कर दो, अभी दोनों का काम हमारा हो गया, ठीक है। अभी देखेंगे कि इसका क्या करना है हमें। अब साइन 330 तो इजी है, वी कैन राइट लाइक दिस, 360 माइनस 30 वी ऑलरेडी डिड, और कॉस का 360 प्लस 30 डिग्री, क्लियर है बात। ये तो इजी था, 360 के पास है, वी हैव डन दिस पहले भी। अब देखिए 2 से ये कट जाएगा, 3 पाई आ गया, चलो मैं यहां लिख देता हूं इसको कट करके, ठीक है। अब दिस इज, अब ये देखिए, अब हमने क्या बताया था आपको, ठीक है, अगर आपने वो पीछे वीडियो नहीं देखे तो प्लीज देखिए, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आता है तो यू कैन कंटिन्यू, अदरवाइज यू कैन गो टू प्लेलिस्ट एंड वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियोस, तब आपका बेसिक बहुत मजबूत हो जाएगा। सो हम लोगों ने बोला था कि जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई वाली जगह होती है वो ये होती है, यानी कि हम यहाँ पर हैं और पाई बाई सिक्स यहाँ पर, तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट है, और पाई का मल्टीपल कुछ भी होगा तो कॉस कॉस ही रहेगा, ये भी बात कर चुके हम लोग एलाइड एंगल्स के वीडियो में। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको देखना है कि कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो यू विल फाइंड कि इट इज नेगेटिव, तो बेटर वी शुड राइट माइनस कॉस पाई बाई सिक्स, दैट इज बेसिकली 30 डिग्री, ये हो गया, देखिए कैसे कन्वर्ट हो गया। अब देखिए हम लोगों ने बोला था ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू वाई एक्सेस पे होते हैं, तो आइदर इट इज हियर और हियर, फिर हम लोगों ने बोला कि इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 1 आ रहा, तो रिमाइंडर अगर 1 आ रहा तो यू आर हियर। अब उससे एंगल ज्यादा है तो इसका मतलब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, दैट्स वन थिंग, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू जब भी हो तो साइन का कॉस हो जाता है, तो दिस इज बेसिकली कॉस 60 डिग्री एंड दैट विल बी पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव, बिकॉज ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, कॉस को नहीं देखते हम लोग, कॉस को देख लेंगे वो कॉस तो नेगेटिव होता है, पुट हियर माइनस साइन, ऐसा नहीं करना है। व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू चेक हमारा इनपुट वाला क्या था,
फंक्शन तो हमारा ये है, तो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, तो हमारा जो इनपुट है वो डिसाइड करता है कि क्या होता है एंगल। तो यू मस्ट हैव गॉट दिस कि माइनस कॉस 30 एंड कॉस 60 डिग्री, ठीक है, यहाँ तक बहुत क्लियर हो गया होगा। नाउ कम ऑन, वी शुड कम टू हियर। तो क्या होता है बोलिए, दिस इज व्हाट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो दिस इज बेसिकली साइन 30 डिग्री, ठीक है। कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होता है, दिस इज बेसिकली कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो ये कॉस 30 है, एंड साइन 30 को आई कैन राइट कॉस 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। अब दोनों ये प्लस है और ये माइनस है, वी कैन कट इट एंड लेट्स सी। देखिए एंगल तो पुट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपने जो ट्रिग्नोमेट्री अलाइड एंगल्स के जो फॉर्मूले हैं उन्हीं को यूज करके हो जा रहा है विदाउट यूजिंग इवन एंगल्स। आई डोंट नो कि थर्ड में क्या होगा, बट अभी तक तो पहले में भी एक आइडेंटिटी लग गई और दूसरे में भी हम लोगों ने अपने अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले यूज किए, और देखिए खुद ही जीरो हो गया, कॉस 30 की वैल्यू भी नहीं यूज की हम लोगों ने, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम्स एसएलओनी की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, यू कैन ट्राई दिस एक्सरसाइज, ठीक है, कल मैंने बताया था आपको। अब यहाँ पर देखिए tan 225 cot 405 tan 765 cot 675, तो ये सब ऐसे ही एंगल हैं कि आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे करें, ठीक है, किसके पास है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ tan 225 तो क्लियरली 180 में 45 ऐड करें तो वी कैन गेट दिस tan 180 प्लस 45, क्लियर है बात। अब हम लोग cot को देखें तो 360 में 45 है, सो वी कैन राइट इट cot 360 प्लस 45, ओके 765, ठीक है। तो ये भी क्लियर दिख रहा है कि 360 का डबल 720, अदरवाइज यू कैन गो बाय द कॉन्सेप्ट व्हिच वी हैव लर्नड राइट नाउ, लेकिन ये बहुत इजी है, 360 का डबल होता है 720, और उससे ये लेट्स राइट टैन ऑफ 2 इंटू 360 प्लस 45, ठीक है। कॉट भी देखिए 720 से माइनस करिए 25, दैट विल 45 डिग्री, तो ये भी लिख सकते हम लोग कॉट 2 इंटू 360 माइनस 45। अदरवाइज इफ यू यू आर नॉट कंफर्टेबल राइटिंग इन 720, यू कैन डिवाइड बाय 90 डिग्री एंड द वे वी डिड, यू कैन डू द प्रॉब्लम लाइक दैट। अब देखिए ये tan है, 180 प्लस है, तो tan का tan ही रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan इज पॉजिटिव। इवन वन मोर कॉन्सेप्ट वी कैन यूज, अगर आपने ग्राफ वाला वीडियो देखा है तो हम लोगों ने बताया था कि tan का जो पीरियड है दैट इज पाई, यानी पाई के बाद वो रिपीट करता है, तो वैसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि ये तो रिपीट करने लगा, वापस से ग्राफ क्या हुआ, रिपीट करने लगा, इसलिए सेम वैल्यू आ गई tan 45 डिग्री, ठीक है। cot 360 प्लस 45, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, तो दिस इज बेसिकली 45, क्योंकि चेंज नहीं होता वो, ठीक है। यहाँ आइए, अब tan यहाँ पर देखिए क्या है, दिस इज ऑल्सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज 360 का मल्टीपल कुछ भी होगा, हम लोगों ने बोला था कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई जो है यहाँ होता है, तो दिस इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। तो यहाँ पर 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और इवन मल्टीपल ऑफ पाई के जो भी रहता है tan का tan ही रहता है, ठीक है। इसी तरीके से इसको देखेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cot जो है नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा एंड दिस विल बी cot 45। फिर से देखिए आप, हियर इट इज रिटन tan 45 टू cot 45 दैट इज प्लस, एंड हियर इट इज रिटन एट माइनस, तो ये क्या हो गया जीरो, ठीक है। तो आप नोट करिए इसको, समझिए इन क्वेश्चंस को, मैं आपको इस बोर्ड में अब कुछ और नए प्रॉब्लम्स लिख के देता हूं। तो अब हम लोग ये नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन है व्हाट वैल्यूज बिटवीन 0 डिग्री एंड 360 डिग्री मे ए हैव
when sin is, तो 5 problems हैं, हमें बताने हैं कि 0 से 360 degree में ये वाले जो angles हैं वो क्या क्या होंगे, मतलब sin की किस value के लिए 1 by root 2 होगा 0 से लेके 360 के बीच में, कितनी values ऐसी आएंगे और वो कौन से angle हैं जिनके लिए ये values आने वाली। तो इसके लिए भी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक हम लोग सीखेंगे, तो आप ध्यान दीजिए, आपको कुछ बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, उसको आप याद रखेंगे तो आपको ये तो हेल्प करेगा ही, लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, वहाँ पर भी हमें एंगल्स पता करने होते हैं, ठीक है, जब रेशियोज हमें मिल जाते हैं सॉल्व करते इक्वेशन, तो एंगल पता करने, अगर आप ये सीख जाएंगे तो चैप्टर के आप चैंपियन बन जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से सीखते हैं हम लोग। तो जैसे कि आपको बस 0 से 90 की वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो साइन में आप जानते हैं कि 45 डिग्री होता है, तो लेट्स सी, इसके लिए हम लोग अपने क्वाड्रेंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये होगा कि ये पॉजिटिव आया है, क्लियर करिए आप ये बात को कि ये पॉजिटिव है, तो अगर साइन पॉजिटिव है तो वो किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट होता है जहां पे साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये पहली चीज हम लोग करते हैं। फिर हम इसको पता करते हैं कि 1 बाय रूट 2 किस एंगल पे होता है, तो ये 45 डिग्री पे होता है, क्लियर है, तो ये जानते हैं हम लोग, ये इंफॉर्मेशन हमें पहले से पता होनी चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है इसकी वैल्यू, ठीक है, किस एंगल के लिए होती है। फिर हम अब जाके सेकेंड क्वाड्रेंट में भी सेम एंगल बना देंगे, ये 45, ठीक, अब एंगल इधर से तो मेजर नहीं किया जाता है, एंगल कहां से मेजर किया जाता है, यहां से, तो इसका मतलब ये दो एंगल हमें सेम वैल्यू देंगे 1 बाय रूट 2, एक तो 45 डिग्री, पहले का आंसर जो होगा, एक तो 45 डिग्री जो कि क्लियरली आपको पहले से पता होना चाहिए कि साइन की वैल्यू 1 बाय रूट 2 45 डिग्री पे होती है, और दूसरा जो हमारा ट्रिक था कि आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाके इस अपनी बेस लाइन से 45 डिग्री बनाइए, और फिर आप देखिए कि दिस इज, ये टोटल 180 होता है, फिर 180 में से आप 45 माइनस कर दीजिए तब आपको ये एंगल मिल जाएगा, या आप 90 में 45 ऐड कर दीजिए तब ही मिल जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, 135 डिग्री, ये रहा आपका आंसर, क्लियर है। अब सेकंड देखते हैं, अब सेकंड देखिए आपको क्या बताया जाता है, cos a इज इक्वल टू -1/2, तो पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि आखिर cos किन दो क्वाड्रेंट्स में निगेटिव होता है, तो सेकंड एंड थर्ड, तो सेकेंड में एक एंगल हमें मिलेगा और एक थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल मिलेगा, ठीक। फिर आप क्या करिए, आप माइनस को भूल जाइए, माइनस को आप भूल जाइए, भूल गए, फिर कॉस ए की वैल्यू 1/2 किस एंगल के लिए होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सोचिए कॉस ए बराबर अगर 1/2 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो किस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल के लिए 1/2 होता है, तो यू विल गेट कि ये तो 60 के लिए होता है, तो आपके दोनों ही जगह 60 डिग्री लिख लीजिए, यहां पर भी 60 डिग्री लिख लीजिए और यहां पर, अब आप ये एंगल मेजर करिए और आप ये एंगल मेजर करिए, दोनों एंगल, ठीक है, तो अब 180 में 60 माइनस हुआ तो कितना आया, 120, 180 में 60 माइनस हुआ दिस इज 120, एंड 180 में ही 60 प्लस हुआ तो 180 में ये 60 प्लस हुआ 240 डिग्री, तो देखिए सेकंड भी हो गया, कितना इजी है, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स पता होने चाहिए, उसके बाद बेस को लेके आप किसी भी क्वाड्रेंट में कीजिए। अब देखिए tan इज इक्वल टू -1, तो पहला क्वेश्चन कि किस क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो सेकेंड एंड फोर्थ, कहां से एंगल बनाए, फिर आपको क्या करना है, माइनस भूल जाइए, टैन ए वन कब होता है 45 डिग्री, तो आप अपने बेस से 45 बनाइए, यहां इधर भी आप बेस, बेस आपका एक्स एक्सिस होगा, यहां से नहीं 45 बनाना है, 45, अब आप एंगल कहां से मेजर करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस,
तो 180 में 45 माइनस करेंगे दैट विल बी 135 डिग्री, और देखिए यहां पर 360 में आप 45 माइनस कर दीजिए क्योंकि ये टोटल घूम के आता है 360, उसमें से 45 माइनस करेंगे तो 315 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड कैंसर। आई थिंक नाउ यू मस्ट बी कंफर्टेबल विद दिस कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लोग अब क्वाड में यूज करते हैं। तो क्वाड देखिए आप, क्वाड कहाँ पर पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है, तो यहाँ निगेटिव है, तो जैसे टैन निगेटिव होता है सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, वैसे ही क्वाड भी निगेटिव है, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड में। अब आपको सोचना है कि क्वाड की वैल्यू रूट थ्री किस एंगल के लिए होती है, तो 30 डिग्री के लिए होती है, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। देन इट इज 30 डिग्री आप यहाँ से बनाइए और यहाँ से भी 30 डिग्री बनाइए। अब आप बताइए कौन सा एंगल है, दिस इज 150 डिग्री, ये कौन सा एंगल है, 360 में 30 माइनस करेंगे 330 डिग्री, देखिए कितना फास्ट हो रहा है, ठीक है। विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी फॉर्मूला, बस ये ट्रिक इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट, ठीक है। तो 360 में 30 माइनस करिए दैट विल बी 330 डिग्री, ठीक है। एंड नाउ दिस इज लास्ट वन, cosec a इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो फिर से cosec निगेटिव किस में होता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहां पे एंगल पहले से बना के रख लीजिए, ठीक है, बना लिया। अब आप देखिए कि cosec a 2 कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो 30 डिग्री, तो यहां बनाइए 30 डिग्री, यहां बनाइए 30 डिग्री, तो ये 180 प्लस 30 210, और ये 360 में 30 माइनस कर दिया 330 डिग्री। तो गॉट इट, क्या करना है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आपको पता करना है कि उसकी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, किस एंगल के लिए, फिर बेस एक्स को मान के जैसा भी जिस क्वाड्रेंट में वो वैल्यू आनी चाहिए वहां पे बना लीजिए, फिर एंगल को आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करके लिख देना है, दैट्स इट। तो इसको आप नोट करिए, और अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत हुई इसको समझने में तो आप वापस रिवाइंड करके इतने पार्ट को देखिए। तब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम्स लेके आता हूं। So now we have next set of problems where we have to find out the sign. ठीक है, अब हमें यहाँ पर इन प्रॉब्लम में वैल्यू नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए कि अगर इन एंगल्स को साइन और कॉस में रखा जाए तो ये प्लस आएगा या माइनस आएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये भी प्रॉब्लम है कि अगर साइन माइनस कॉस में ये एंगल रखे जाए तो ये प्लस आएगा या माइनस आएगा, ठीक है। तो करते हैं हम लोग ये क्वेश्चन कैसे करे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉस, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि 140 डिग्री यहां पर रखेंगे हम लोग, तो साइन 140 आप रखिए यहां पर और कॉस 140 भी रखिए। अब लेट्स सी, अब कैसे पता चलेगा हमें कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपने एंगल्स को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आए, ठीक है। क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखे, जैसे कि साइन 140 है, इसमें अगर मैं साइन 180 माइनस थीटा लगा दूं, ठीक है, तो दिस विल बिकम साइन 40। देखिए 180 माइनस 40 में लिखूंगा तो यही आएगा, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है। इसी तरीके से कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो दिस विल बी माइनस कॉस 40 डिग्री, ठीक है। अब आप देखिए कि अब हम लोग साइन और कॉस को ग्राफ को देखें, ये पाई बाई टू है, 90 से पहले का एंगल है, ये साइन का ग्राफ है और ये कॉस का ग्राफ है, दिस इज कॉस एंड दिस इज साइन। ये देखिए यहां पर कट किया है इन्होंने, कहां पर, पाई बाई फोर, ठीक। तो 40 डिग्री किधर होगा, 40 डिग्री से पहले होगा कहीं, यानी ये।
अब आप देखिए कि साइन छोटा नंबर है, साइन क्या है, बिलो है, और कॉस बड़ा नंबर है, तो अगर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, नेगेटिव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, नेगेटिव। क्लियर है बात, क्या किया हम लोगों ने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले गए और साइन का ग्राफ ड्रॉ किया, कॉस का ग्राफ ड्रॉ किया, और यहाँ पर माइनस आ रहा था, साइन की वैल्यू देखी इस ग्राफ में कहाँ है और कॉस की वैल्यू देखी कहाँ पर है, तो हमें क्या मिला, ये साइन की वैल्यू नीचे है और कॉस यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और कभी भी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को आप घटाएंगे तो निगेटिव आएगा, जैसे 3-4 इज माइनस 1, तो वही यहाँ पर हुआ। समझ में आ गया, तो इस तरीके से निगेटिव है। ठीक है, और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। अब वी आर गोइंग टू ट्राई अबाउट 278 डिग्री। ठीक है, चलिए देखते क्या होता है। तो साइन 278 डिग्री प्लस कॉस 278 डिग्री। ठीक है, तो साइन 270 प्लस थीटा, तो साइन का कॉस हो जाएगा, और ये सोचिए आप कि ये किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, 270 प्लस इस थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, हेंस इट विल बी कॉस माइनस कॉस 80। ठीक है, भाई कॉस 278 डिग्री, कॉस 278 डिग्री क्या होगा, माइनस तो नहीं होगा, बिकॉज ये थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है तो साइन में बदलेगा, और प्लस, तो साइन 8 डिग्री माइनस कॉस 8 डिग्री। फिर से भाई, तो 40 यहां देखिए, फिर से सेम है। ठीक है, ये 45 डिग्री है, कॉस की वैल्यूज पहले बड़ी होती हैं और साइन की वैल्यू छोटी होती है, 45 के पहले कॉस की वैल्यू बड़ी होती है और साइन की वैल्यू छोटी है। फिर से एक बार छोटे में से बड़ा माइनस किया गया, तो दिस इज ऑल्सो निगेटिव। तो सेम कॉन्सेप्ट, सिमिलर कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको कर रहे हैं। अब एक निगेटिव एंगल भी देख लेते हैं, एंड देन यू कैन ट्राई इट बाई योर सेल्फ। ठीक है, वी विल मूव टू अनदर क्वेश्चन। ठीक है, साइन ऑफ माइनस 356 डिग्री प्लस कॉस ऑफ माइनस 356 डिग्री। ठीक है, तो साइन ऑफ माइनस 356 डिग्री, तो क्या बोला है, माइनस रहेगा तो पहले आप साइन चेंज करिए, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, दिस इज माइनस साइन 356 डिग्री, कॉस का पॉजिटिव हो जाएगा कॉस 356 डिग्री। ठीक है, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट ले जाते हैं इसको, तो 360 माइनस थीटा, तो साइन विल बी साइन बट दिस विल बी पॉजिटिव, दिस इज साइन 4 डिग्री। ठीक है, क्लियर है, कॉस विल बी पॉजिटिव एंड दिस इज कॉस 4 डिग्री। दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज पॉजिटिव, वी गॉट द आंसर। इसी तरीके से आप माइनस 1125 डिग्री का भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रही है कि कहां पर है, लेट्स डू इट। ठीक है, फिर मैं इसमें से ये दो छोड़ दूंगा, ठीक है, एक करा देता हूं बिकॉज इट्स नेगेटिव एंड ऑल्सो इट्स अ बिग वैल्यू। ठीक है, तो साइन ऑफ माइनस 1125 डिग्री प्लस कॉस ऑफ माइनस 1125 डिग्री। ठीक है, तो साइन माइनस है तो दैट विल बी माइनस साइन थीटा 1125 डिग्री। ठीक है, आपको बहुत कंट्रोल होना चाहिए वैल्यूज के ऊपर, दिस विल बी कॉस ऑफ 1125 डिग्री, यही सब बेसिक्स है, यही आपके सब स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा है, नहीं समझ में आ रहा है कि किस कितना है ये, तो वी शुड डू कि क्या बताया था आपको, 90 से डिवाइड करिए, बड़े एंगल्स के लिए क्या करिए, 90 this is 45 degree। ठीक है, तो इसका मतलब we can write it minus sin of 12π/2 plus कितना 45 for π/4। ठीक है, cos भी वैसे ही लिखा जाएगा, cos is also 12π/2 plus π/4।
ठीक है, ये हो गया। अब देखिए पाई बाई टू का ये टू इसको कैंसिल कर देगा, सिक्स पाई, यहां पर भी सिक्स पाई। अब हमें पता करना है कि सिक्स पाई प्लस पाई बाई फोर क्या होता है, क्या सिक्स पाई प्लस पाई बाई फोर, तो ये इवन मल्टीपल है, क्या है इवन मल्टीपल है, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है और इवन मल्टीपल ऑफ पाई सेम होता है, तो दिस विल बी बेसिकली माइनस साइन पाई बाई फोर, एंड दिस इज ऑल्सो सिक्स पाई प्लस पाई बाई फोर, यानी सिक्स पाई यहीं पर आ गए, तो इसके आगे आप पाई बाई फोर में जाते हैं, तो कॉस का कॉस ही होगा कॉस पाई बाई फोर। अभी आपने देखा कॉस पाई बाई फोर साइन पाई बाई फोर सेम होते हैं, वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू माइनस वन बाई रूट टू कैंसिल, एंड इसका कोई साइन नहीं होगा, इसकी वैल्यू जीरो है। तो सीख गए आप, ठीक है, तो बड़ा एंगल है, इट डजंट मैटर कितना बड़ा एंगल है, यू हैव टू जस्ट डिवाइड बाई 90 डिग्री एंड फाइंड आउट द रिमाइंडर, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट व्हाट वी हैव लर्नड इन अवर प्रीवियस वीडियोस वी कैन डू अवर क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे व्हाट साइन है साइन ए माइनस कॉस ए फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए, तो कुछ नया नहीं है, माइनस तो वैसे भी हम लोग जब भी साइन के एंगल माइनस आ जा रहा तो कर ही ले रहे थे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू डू, चलिए दो करके एक ये करेंगे और एक ये करेंगे, जिससे एक पॉजिटिव हो जाए एक निगेटिव हो जाए, यू कैन डू दिस एट योर होम, ठीक है, वैसे भी आप होम में ही हैं, ठीक है। तो साइन ऑफ 215 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 215 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, साइन 215 वी विल चेक कि ये कितना होता है, ठीक है, तो वी विल गेट इट कि साइन कितना कर दिया जाए इसको 180 में कितना प्लस है ये 35, ठीक है, यही तो है साइन 180 प्लस 35 डिग्री, नो सपोर्ट 35 20 एंड 15, ओके गुड। कॉस भी ऐसे ही हो जाएगा 180 प्लस 35 डिग्री, ठीक है। अब साइन 180 प्लस थीटा इज साइन थीटा, बट दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दैट्स व्हाई इट विल बी माइनस साइन 35 डिग्री, ठीक। अब कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट एंड कॉस इज आल्सो नेगेटिव, बेटर इट बी कॉस 35 डिग्री। अब तो आपको पता ही है कि 45 के पहले कॉस बड़ा होता है और साइन छोटा होता है, तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाएंगे तो पॉजिटिव, वेरी नाइस, ठीक है। देखिए इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है ट्रिग्नोमेट्री, यू मस्ट लाइक इट, को पता भी नहीं चलेगा, प्रॉब्लम करते रहेंगे इतना टाइम लिख के, और ऐसा हो तब यू शुड थिंक यू आर ऑन द राइट ट्रैक फॉर जेई प्रिपरेशन, ठीक है। अब साइन ऑफ माइनस 634 डिग्री प्लस कॉस ऑफ माइनस 634 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले दिस वाज माइनस हियर, अब जो भी साइन ऑफ माइनस थीटा है वी कैन टेक आउट द माइनस साइन, इट विल बिकम माइनस साइन ऑफ 634 डिग्री, एंड कॉस का नेगेटिव इज नेगेटिव ओनली, सो दिस इज बेसिकली कॉस ऑफ 634, कॉस माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, सो दिस इज लाइक दिस। तो अब माइनस कॉमन ले लें या रहने देते हैं, फर्स्ट लेट्स चेक कि 634 होता कहां पर है, तो इसको अब अपन 90 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 97 634 डिग्री, तो इसको लिख सकते हम लोग 7 इंटू पाई बाई टू, अब 4 को मैं 4 ही लिख देता हूं, वैसे करेक्ट नहीं है, ठीक है, तो ये 4 हो गया, इसको भी कॉस को 7 पाई बाई 2 प्लस 4 डिग्री, ठीक है। अब आप आइए पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो यहां पर या यहां पर हो गया, फिर क्या करते हैं हम लोग 7 को 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर देखते हैं, अगर रिमाइंडर 3 आता है तो हम इस थर्ड क्वाड्रेंट के पास हैं, इसमें हैं, ठीक है। अब उसमें से प्लस हुआ है तो कहां आ गए हम लोग, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन का कॉस हो जाएगा, एंड साइन इज नेगेटिव, बेटर इट विल बी पॉजिटिव कॉस का 4 डिग्री, ठीक है।
क्या समझे आप? साइन फोर्थ क्वाड्रेंट है, पाई बाई टू को ऑड मल्टीपल ऑफ साइन कॉस होगा, लेकिन साइन निगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस माइनस प्लस। अब आइए कॉस के बारे में बात करते हैं। कॉस सेवन पाई बाई टू, ये भी चेंज करेगा अपनी साइन, लेकिन ये प्लस ही रहता है, इसलिए दिस इज माइनस साइन फोर डिग्री। फिर से बड़ा एंगल छोटे एंगल से माइनस हो रहा है, बड़ा एंगल नहीं, कॉस की वैल्यू 45 से पहले बड़ी होती है और साइन की वैल्यू छोटी होती है, तो दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, नाउ यू कैन डू दीज टू क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम लोग आपको नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स देंगे। सो नोट डाउन दिस प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सीखते हैं कि कैसे करेंगे। If A is equal to cos 2 and B is equal to sin 7, then फिर ये ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए कि ये रेडियन है। ठीक है, cos 2 क्या है? रेडियन है यहां पर, और 7 क्या है? रेडियन है। तो रेडियन में आप लोगों ने क्या देखा है कि 0, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 2 पाई। ठीक है, ये होता है। तो दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 2 and this is pi, this is 3 pi by 2, ठीक है, and this is 2 pi, ठीक। तो अब pi by 2, pi की वैल्यू क्या होती है? लगभग नियर अबाउट 3.14, तो इसका हाफ नियर अबाउट 1.57 हो जाएगा। ठीक है, 2 pi कितना हो जाएगा? इसका डबल नियर अबाउट 6.28, और इसको 3 टाइम्स यानी 4.5 समथिंग का, 4.5 कुछ, ठीक है, 1.53 जब 1.6 ले लेते, 4.7 वगैरह के आसपास। ठीक है, तो दिस इज आर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज जिनकी मदद से वी कैन फाइंड आउट कि ये किस क्वाड्रेंट। अब देखिए cos 2, cos 2, तो cos ये 1.57 और 3.2 है, तो cos 2 यहाँ कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि किस क्वाड्रेंट में है? एक किस क्वाड्रेंट है हमारा? ए सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस टू यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव, यानी ए लेस देन जीरो, ये पता चल गया। अब आइए साइन सेवन के बारे में बात करें, तो दिस इज 6.28। ठीक है, और अगर ये इसमें ये वाला पता करें तो 1.57 ऐड करना पड़ेगा, दैट विल बी 7.7 समथिंग, यानी कि साइन यहाँ है, साइन 7 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, इनकी वैल्यूज को हम लोगों ने सिंपल रियल नंबर के हिसाब से लिख लिया है। ठीक है, डेसिमल में। अब अपना 7 हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, 6.28 से ज़्यादा होना चाहिए और 7.7 से लगभग कम होना चाहिए। ठीक है, 7.7 से कम ही होता है 7, इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, इसका मतलब बी ग्रेटर देन जीरो है और ए लेस देन जीरो। ए अगर निगेटिव है, बी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब एक और बात ट्रू है, बी ग्रेटर देन ए। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ए ग्रेटर देन जीरो, दैट इज रॉन्ग। बी ऑप्शन बोल रहा है ए बी लेस देन जीरो, यानी कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो बी करेक्ट होगा। सी ऑप्शन बोल रहा है ए ग्रेटर देन बी, नहीं हो सकता, ए नेगेटिव है, बी जो है पॉजिटिव, ऐसा नहीं हो सकता। डी बोल रहा है बी ग्रेटर देन ए है, ठीक है, सही बात है, बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपने समझा कि अगर रेडियंस में एंगल दिए हों तो किस तरीके से ग्रेटर लेस देन और कैसे पता कर सकते कि क्या चीज है। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो आप अब ये प्रॉब्लम्स 5 प्रॉब्लम्स नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इनको करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि अगर मान लीजिए आपको साइन में कॉस को बदलना है, कॉस को साइन में बदलना है, और जैसे ये 7π/60, ठीक है, तो एक शॉर्टकट यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप चाहते कि साइन से कॉस में बदले, तो आप देखिए क्या करिए, अगर ये इवेन होगा, डिनोमिनेटर अगर इवेन होगा, तभी ये रूल लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये ट्रिक लगा सकते हैं,
लेकिन अगर इवन नहीं है, ऑड नहीं है, तो ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई करके आप उसे इवन बना लीजिए। ठीक है, फिर समझाता हूँ। तो जैसे आप साइन को कॉस में बदलना चाहते हैं तो पहले देखिए कि इट शुड बी इवन, ठीक है, इवन है। इसके बाद इसको आप हाफ करिए, तो 16 का हाफ इज व्हाट, 8। अब आप 8 में से न्यूमरेटर माइनस कर दीजिए, दैट इज 7। ठीक है, जब ये मल्टीपल ऑफ पाई होगा तभी लगाएंगे। फिर से सुनिए, 7 पाई बाय 16 है, तो 16 इवन है, तो इसको मैंने हाफ किया, इट हैज बिकम 8। एंड आफ्टर 8 वी कैन सब्ट्रैक्ट 8 विद 7, तो 8 को 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, पाई। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 16। 7 पाई बाय 16 को वी कैन राइट कॉस पाई बाय 16। ठीक है, समझ में आया कैसे किया गया। अब देख लीजिए आप, जैसे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कॉस पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 16, साइन 7 पाई बाई 16 आना चाहिए, तो चेक कर लीजिए आप, 8 करेंगे, 8 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा कि नहीं, 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 16 के लिए। तो देखा ट्रिक काम कर रही है, ठीक है। अब मान लीजिए सीख गए आप, तो क्या करना था आपको, हाफ करना था, इवन रहेगा उसका हाफ हो जाएगा इजिली। हाफ होने के बाद डिनोमिनेटर में जो बचा है उसको न्यूमरेटर से घटा दीजिए और बेस में आप यानी डिनोमिनेटर में वही रखिए। अब मान लीजिए कि कोई आपको इवन नहीं आके ऑड आ गया, तो दिस कैन बी डन विद साइन एंड कॉस। तो साइन को कॉस में बदल सकते, कॉस को साइन, कहीं पर अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए 5 पाई बाई 7, अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं इस साइन को कॉस में बदल दूं, या अगर कॉस भी है तो साइन में बदल दूं, तो देखिए क्या करना है। अब बिकॉज क्या सीखा हम लोगों ने कि ये क्या होना चाहिए, इवन, तो इवन नहीं है कोई बात नहीं, इवन बना लो तो उसे मल्टीप्लाई कर लो 10 पाई एंड दिस विल बिकम 14, बन गया इवन। अब 14 को हाफ किया 7 हाफ, तो 7 से 10 को माइनस करिए, 7 को 10 से माइनस करिए, कितना आएगा माइनस 3 पाई बाई 14। अब माइनस प्लस ही हो जाएगा, दिस विल बिकम कॉस 3 पाई बाई 14। तो देखिए कन्वर्ट हो गया कितनी इजली से, ठीक है, समझ गए। तो ये था, अगर हमको साइन में कॉस या कॉस में साइन करना है तो इस तरीके से ये ट्रिक यूज की जा सकती है, तो याद रखिए। ठीक है, अब देखिए, अब अगर साइन से साइन में ही रखना है तो ऑड हो या इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाट यू हैव टू डू इज 7 से न्यूमरेटर को आप माइनस कर दीजिए, तो 7 से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन 2 पाई बाई 7। ठीक है, तो साइन में करेंगे तो साइन 180 माइनस थीटा इज पॉजिटिव, लेकिन जब कॉस में करेंगे ये काम तो कॉस 180 माइनस थीटा नेगेटिव होता है, तो उसमें एक माइनस भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन 5 पाई बाई 7 कैन बी रिटन एज साइन 2 पाई बाई 7। अगर यहीं पर कॉस 5 पाई बाई 7 होता तो वी शुड हैव रिटन माइनस कॉस 2 पाई बाई 7। ठीक है, क्योंकि कॉस में जब पाई माइनस थीटा लगाते हैं तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो क्लियर है बात, समझ गए। ये एक साइड नोट है जो आपको हेल्प कर सकता है एंगल चेंज करने में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री और इस तरीके से साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90, तो 65 नहीं है 85 होगा। ठीक है, अब देखिए आप साइन स्क्वायर 85, अब साइन 85 को कॉस में बदला जा सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, ऊपर साइन स्क्वायर 5 डिग्री साइन स्क्वायर 10 डिग्री इनको ऐसे ही रखे रहिए, साइन स्क्वायर 15 डिग्री और फिर बीच में आएगा आपके पास साइन स्क्वायर 45 डिग्री
अब जो आपके पास 50 आएगा, यहां देखिए क्या है, साइन स्क्वायर 40। तो जो हमारे पास साइन स्क्वायर 50 आएगा वो हम लोग कॉस स्क्वायर 40 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब 45 के बाद 50 आया था, 55 के बाद 55 आया, अब क्या करेंगे, इसके बाद आ जाएगा कॉस स्क्वायर 35 डिग्री। तो ऐसे ही 85 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 तो 1 होता है। अब देखिए साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 10 के लिए क्या मिलेगा, इसके पहले कॉस स्क्वायर 10 रहेगा, एक और 1 मिल जाए। तो ऐसा ही कहां तक होगा, 45 के लिए तो कोई नहीं मिलेगा, ये 40 तक मिलेगा। यानी 5 से लेकर 40 तक जितने नंबर हैं वो सब क्या हो जाएंगे, डबल यहां मिलेंगे इनको सबको। तो ये 5 से लेके 40 कितना होता है, 8 5 जा 40, तो ये 8 टर्म्स हैं, ये भी 8 टर्म्स हैं। तो दोनों 8 टर्म्स मिलके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ऐसे कितना आ जाएगा, 8। साइन स्क्वायर 45 को कोई नहीं मिलेगा, 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 1 बाई 2, और दिस इज 1, तो दिस इज 9.5। क्या आंसर आ गया, 9.5। तो समझ गए होंगे आप, ठीक है। Did you find, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है। साइन 85 को कॉस 5 लिखा जा सकता है, बिकॉज साइन 85 कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस 5, ठीक है, और साइन 90 माइनस 5 इज व्हाट, कॉस, तो कॉस स्क्वायर 5, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। तो सेकेंड प्रॉब्लम देखिए आप, तो ये कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, तो कुछ नहीं होने वाला है, ये एंगल भी नहीं जानते हम लोग, तो कॉस को अगर साइन में बदल लें तो काम चलेगा। अभी हम लोगों ने सिखाया कि कॉस को साइन में कैसे बदलते हैं, तो अगर कॉस को साइन में बदलना हो तो इसको करेंगे हाफ, तो 16 का हाफ इज 8, 8 में से न्यूमरेटर माइनस करें आप 3 5, तो ये वाला जो कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 16 है, इसको लिखा जाए, यहाँ लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16, तो ये भी साइन स्क्वायर हो गया, बिकॉज कॉस का साइन होता है 3 पाई बाई 16। अब आप खुद बताइए, 16 का हाफ 8, 8 में से 7 पाई घटाएंगे, 8 पाई में से 7 पाई, तो पाई बचेगा, एंड दैट विल बिकम साइन स्क्वायर पाई बाई 16, ठीक है। ये ट्रिक सीखने से कितना इजी हो गया, अब ये और ये 1 और ये और ये 1, तो 1 प्लस 1 2, ठीक है। तो सीखे आपकी ट्रिक, कहां यूज करेंगे, जब सारे कॉस दिख रहे हैं तो कैसे हो सकता है कॉस कॉस कंबाइन होगा, ठीक है, ये निगेटिव भी नहीं हो सकता है, ये प्लस का माइनस हो जाए, कैंसिल हो जाए, वो वैल्यू हमें पता नहीं, तो ऑब्वियसली, ठीक है, लॉजिक से कॉस साइन में ही बदलना चाहिए, तो ये वाला ट्रिक हम लोग लगा देंगे, ठीक है। अब इसको करते हैं हम लोग, टेन पाई बाई 8, टेन 3 पाई बाई 8, टेन 5 पाई बाई 8 एंड टेन 7 पाई बाई 8, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, तो 10 पाई बाई 8 इज इक्वल टू 10 3 पाई बाई 8। अब इसको क्या करें हम लोग, टेन को कॉट में अगर बदल दें तो टेन और कॉट जो है कंपनसेट हो जाएंगे, तो लेट्स चेक क्या इसमें से कोई इसमें बदलता है क्या, तो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 या पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 8 करने से कुछ होगा, ठीक है, पाई पाई बाई 2 माइनस
5/8 करने से, ठीक है। तो 5π/8 है हमारा, तो इसको हम लोग π/2 यानी 4 या π/2 प्लस कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो 4π/2 यानी कि ये हो गया। तो π/2 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan π/2 प्लस π/8। तो tan cot में बदलेगा एंड दिस इज व्हाट, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव हो जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ cot π/8, ये बन गया माइनस cot π/8, ठीक है। तो देखिए ये बदल गया। अब 7π/8 को ऐसे ही चेंज करेंगे हम लोग, तो 7π/8 कैसे चेंज होगा, इसको भी आप देखिए, tan पाई प्लस पाई माइनस, जैसे कि हमें cot चाहिए तो π/2 प्लस 3 कर लेते हैं, 3π/8, देखिए 4 प्लस 3 7, तो इसको लिखा जा सकता है tan π/2 प्लस 3π/8, तो फिर से वही माइनस cot 3π/8, ये हो गया माइनस cot 3π/8, ठीक है। क्लियर हुआ क्या किया हम लोगों ने, हम लोग देख रहे हैं कि क्या ये एंगल को इस एंगल के टर्म्स में लिखा जा सकता है, तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई एट करें, ठीक है। तो आ गया ये, इसको किया तो ये आ गया, तो देखिए पाई बाई टू प्लस थ्री पाई बाई एट क्या हो जाएगा, यही आएगा, तो वो होता है cot। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड tan π/8 एंड cot π/8 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कट जाएंगे 1 आएगा, ये भी tan 3π/8 cot 3π/8 से कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड का आंसर 1 आ गया। पहले का आंसर क्या आया था 9.5, दूसरे का आंसर 2 और इसका आंसर 1, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, cos 1 डिग्री है और यहाँ पर cos 170 है, तो देखिए cos 170 को वी कैन राइट cos 180 माइनस 10 ऐसे लिख सकते कि नहीं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो यहाँ पर cos 10 डिग्री, दिस इज cos 20 डिग्री, दिस इज cos 30 डिग्री एंड दिस इज cos 80 डिग्री, दिस इज cos, अब देखिए 180 माइनस 100 माइनस cos 80 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे 180 माइनस 80, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है यानी माइनस cos 80। इसी तरह cos 150 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 30 तो वो हो जाएगा माइनस cos 30, 160 को क्या लिख सकते हैं माइनस cos 20, 180 माइनस कर रहा है और ये तो मैंने यहां दिखाया ही आपको, माइनस cos 10 डिग्री। अब cos 10 प्लस माइनस cos 20 प्लस माइनस cos 30 माइनस cos 80 माइनस cos 80 कितना हो गया आंसर 0, तो फोर्थ का आंसर 0। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो tan pi माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाना है, तो 11 में से 10 को माइनस कर दे, जैसे cos में कर रहे थे अभी जो सीखा था हमने, हमें अगर tan को 10 में ही रखना है, ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, अपनी ट्रिक लगाएंगे, तो 11 में से 10 माइनस करेंगे तो पाई बाई 11 ही आएगा ये, लेकिन बिकॉज ये सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा दैट इज नेगेटिव। इसी तरह 11 में से 9 माइनस करिए 2π, तो माइनस बिकॉज tan 180 माइनस थीटा लगा रहे हैं लोग और वो निगेटिव होता है tan के लिए, ये क्या हो जाएगा 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4, तो देख रहे हैं कैसे ट्रिक काम में आ रही है, दिस इज प्लस tan 4π/11 प्लस tan 2π/11 एंड दिस इज tan π/11,
ठीक है। तो 2 पाई बाय 11 प्लस माइनस टेन 4 पाई बाय 11 प्लस माइनस टेन पाई बाय 11 प्लस माइनस दिस इज ऑल्सो जीरो। तो आखिरी के दो प्रॉब्लम्स जीरो हो गए। ठीक है, तो आपने आज सीख लिया है कि कैसे एंगल्स के फॉर्मूले यूज करके प्रॉब्लम्स की जाती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो में आएंगे दैट विल बी कंपाउंड एंगल्स। ठीक है, तब तक आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स करिए और खूब रिवीजन करते रहिए।